हेलो एवरीवन, आज मैं वैनिला केक बनाने जा रही हूँ। ये 1 kg का वैनिला केक का मेजरमेंट है। उसके लिए हमको 4 अंडे लगेंगे, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून वैनिला एसेंस, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 कप ऑफ ऑयल, अनफ्लेवर्ड ऑयल लेना है। सबसे पहले हम पैन को, ये मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। ये ऑयल से मैंने ग्रीस की हूँ और इसमें बटर पेपर डालकर ऊपर से भी मैं अच्छे से इसको ग्रीस कर ली हूँ। अभी हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करना है, छानना है। छानने के बाद हमको अच्छे से इसको मिक्स करना है। 1 से 2 बार आप इसको छान लें। अब हम ये नए बॉल में अंडे को बीट करना है, सभी अंडे। अभी इसमें वैनिला एसेंस डालकर हमें इसको अच्छे से बीट करना है। पहले स्लो में हम इसको बीट करेंगे, अब इसमें थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी इसमें 1/2 शुगर ऐड करेंगे, फिर हम उसको अच्छे से बीट करेंगे, फिर वो उसके बाद हम बची हुई 1/2 भी डालकर उसमें अच्छे से बीट कर लेंगे। अभी बाकी का बचा हुआ आधा पाउडर शुगर डालकर अच्छे से बीट करेंगे। उसको अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है। इसको इतना बीट करें कि उसकी क्वांटिटी डबल हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है और ये थोड़ा थिक भी हो गया है, आप देख सकते हैं इसको। अभी इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके थोड़ा ही बीट कर देंगे, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे हम। अभी इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ा और बीट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हमको ये मैदे में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड किया हुआ बैटर इसमें थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे और हल्के हाथों से हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। और उसके साथ साथ हमको ओवन को भी प्री हीट करना है 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। आप देख सकते हैं ये बैटर रेडी है बेक होने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। नहीं, अभी हम ये बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। और बैटर केक बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर आप केक बना रहे हैं तो उसका मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए। और आप अगर इसमें दूध ऐड कर रहे हैं या मैदा कम डाल रहे हैं, अगर बैटर पतला है तो भी आपका केक बीच से बैठ जाता है। और ओवन भी प्री हीट अच्छे से होना भी ज़रूरी है। और ओवन को बीच बीच में आपको खोल के नहीं देखना है, कम से कम 15 मिनट के बाद आप ओवन खोल के चेक कर सकते हैं केक बना है या नहीं। और आप अभी इसको हम अच्छे से 1-2 बार टैप करेंगे, हम फिर इसको बेक करने के लिए रखेंगे। बेक करने के लिए 160 डिग्री पे 22-25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हैं अभी मैं चेक करके देखती हूँ कि बना है या नहीं। थोड़ा सा देखो क्लीन नहीं आई है। अभी हम 10 मिनट रखेंगे, फिर 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। अभी हम इसको चेक करेंगे कि कम्प्लीटली अच्छे से बना है या नहीं। आप इसको देख सकते हैं कि एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब ये रेडी है, बेक अच्छे से हो गया है। इसको बेक होने के लिए 30 मिनट्स लगे हैं। अभी इसको हम अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसको आइसिंग कर सकते हैं। केक को ठंडा होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो भी हम इसको रखना चाहिए, उसके बाद हम इसको आइसिंग करेंगे। ये भी एकदम ठंडा हो गया है, अब इसको हम अनमोल्ड करेंगे। ठंडा होने तक इसको हम करेंगे, देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से बेक हुआ है।
भी हम इसको लेयर्स में कट करेंगे। इसके आप चाहे तो 3 भी लेयर्स कर सकते हैं या 4 भी लेयर्स कर सकते हैं। अभी हम इसको लेयर्स में कट करेंगे। मैं इसकी 3 लेयर्स बनाऊंगी। अब देख सकते हैं पहले छोटा छोटा ऐसा कट लगाएंगे हम। फिर ऐसे कट करेंगे। देख सकते हैं कितना स्पंजी और जालीदार बना है। आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छे 3 स्लाइसेस हो गए हैं और ये कितना सॉफ्ट हुआ है।